नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके न्यूज पर। दोस्तों, एक प्रसिद्ध कथावाचिका के रूप में जया किशोरी की पहचान है। केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी वे कथा वाचन करती हैं। जया किशोरी नानी बाई का मायरा और श्रीमद् भागवत की कथा का वाचन करती हैं। जया किशोरी जब कथा वाचन करती हैं, तो उन्हें सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुँचते हैं। यही नहीं, सोशल मीडिया में भी जया किशोरी का कथा वाचन बहुत ही लोकप्रिय है। सोशल मीडिया में हमेशा ही जया किशोरी के वीडियो को वायरल होते हुए देखा जाता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी जया किशोरी की पहचान है। जया किशोरी की प्रसिद्धि बॉलीवुड सितारों के बीच भी है। जया किशोरी कई बार फिल्मी और टीवी जगत के सितारों के साथ देखी गई है। जया किशोरी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी काफी एक्टिव हैं और उन्हें फॉलो करने वालों की संख्या भी लाखों में है। जया किशोरी के इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगालने पर आपको कुछ तस्वीरें ऐसी भी मिलेंगी जिनमें वह फिल्म इंडस्ट्री के जग्गू बाबा यानी जैकी श्रॉफ के साथ दिखाई दे रही हैं। एक तस्वीर में जैकी श्रॉफ जया किशोरी के पैर छूते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि ये तस्वीर साल 2019 की है। नारायण सेवा संस्थान द्वारा आयोजित दिव्यांग टैलेंट अवार्ड में जैकी श्रॉफ और जया किशोरी की मुलाकात हुई थी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जैकी श्रॉफ और तारक मेहता का उल्टा चश्मा फिल्म दिलीप जोशी को बुलाया गया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह जया किशोरी और जैकी श्रॉफ की बातें हो रही हैं। इस दौरान दोनों एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए भी देखे गए थे। वहीं जैकी श्रॉफ तो जया किशोरी के पैर तक छूने लगे थे। इस तस्वीर में उन्हें रोकने की कोशिश करते हुए जया किशोरी दिखाई दे रही हैं। बता दें, जया किशोरी एक कथा वाचन के लिए लाखों रुपए की फीस लेती हैं। हालांकि प्रवचन से मिलने वाली कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा वे नारायण सेवा संस्थान को दान में दे देती हैं। यह संस्थान दिव्यांग लोगों की सेवा करता है। इसके अलावा जया किशोरी वृक्षारोपण के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रमों में भी अपना योगदान दे रही हैं। उनकी आधिकारिक वेबसाइट imjayakishori.com को देखने से इस बात का पता चलता है। जया किशोरी के भजन और मोटिवेशनल वीडियो लोगों को बहुत पसंद आते हैं। इंस्टाग्राम पर जया किशोरी केवल 27 लोगों को फॉलो करती हैं और उनमें से एक जैकी श्रॉफ भी हैं। 23 जुलाई 1995 को जन्मी जया किशोरी ने महज 10 साल की उम्र में ही भगवान श्री कृष्ण को अपना दिल दे दिया था। घर में भक्ति का माहौल होने के कारण उनका रुझान भगवान श्री कृष्ण की तरफ बढ़ता चला गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि जया किशोरी ने अपना पहला सुंदर कांड पाठ मात्र 10 साल की उम्र में किया था। उनकी मीठी आवाज सुन लोग हैरान रह गए थे। बचपन से ही भगवान की भक्ति में लीन होने के कारण लोग इन्हें राधा बुलाने लगे थे। बता दें, जया किशोरी भक्ति के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखती हैं। भगवान की भक्ति का असर वह अपनी पढ़ाई पर नहीं पड़ने देती। कोलकाता के महादेव बिरला वर्ल्ड अकेडमी से जया किशोरी ने अपनी स्कूलिंग की है।